तो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए रांची विश्वविद्यालय लगातार प्रयासरत है, लेकिन नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कदम पूर्व में विश्वविद्यालय और सरकार को उठाना चाहिए था वो दिखाई नहीं देता, जिससे छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे लेकर मांडर के पूर्व विधायक गंगोत्री खुजूर के नेतृत्व में छात्र और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। तो वहीं मुलाकात करने के बाद पूर्व विधायक गंगोत्री खुजूर ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय के द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है, जिसके तहत रांची विश्वविद्यालय के जितने भी अंगीभूत कॉलेज है उसमें इंटरमीडिएट का एडमिशन को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों का एडमिशन अधर में लटका हुआ है। चलो, आप सभी को ज्ञात होगा रांची विश्वविद्यालय रांची के अधीन में 12 ऐसे अंगीभूत महाविद्यालय हैं जहां वीसी सर के आदेश के बाद इंटरमीडिएट का नामांकन बंद कर दिया गया है। इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा संकट छात्रों के बीच खड़ा हो गया है। लगातार शिक्षक, अभिभावक और बच्चे इसको लेकर के आंदोलन, प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। ये मामला PIL के रूप में हाईकोर्ट में भी, इनके बच्चे हमारे जो पढ़ने के लिए आते हैं तो मांडर विधानसभा के अंदर 3-4 कॉलेज हैं हमारे, एक बेड़ो में, मांडर में, चान्हो में, तो ऐसे सुदूरवर्ती जो हमारे 3-4 जिले के बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। और आप जान रहे हैं कि आदिवासी बहुल है, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते जो नज़दीक का ये एरिया पड़ता है तो सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और इस समय जो इंटर मैट्रिक किए बच्चे तो इंटर